वर्ल्ड कंसल्टेंसी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा गोरखपुर के प्रसिद्ध सर्राफा व्यवसायी एवं एशपरा ब्रांड के डायरेक्टर अतुल सर्राफ और अनुप सर्राफ को व्यवसायिक एवं सामाजिक सरोकार के लिए लंदन में अवार्ड से नवाजा गया। पुरस्कार पाने के बाद रविवार को गुरु कृपा संस्थान द्वारा स्वागत एवं नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। इस मौके पर आयोजकों द्वारा सर्राफ व्यवसायी अतुल सर्राफ को अंगवस्त्र एवं पुष्प एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता बृजेश त्रिपाठी, मधु सर्राफ, डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, डॉक्टर हर्ष सिन्हा, अचिन लाहिड़ी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सर्राफा व्यवसायी अनूप सर्राफ व मधु सर्राफ और अतुल सर्राफ ने कहा, साथ में आमंत्रित करता हूं। अतुल भैया देखिए, जिन्होंने हम लोगों को कुम्हार की तरह गढ़ा, एक आकृति देने के लिए अंदर से सहारा दिया और विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए ऊपर से छोड़ दिया, यह नतीजा उन्हीं के दिए हुए मार्गदर्शन का है जो शुरू से उन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया कि आज आप सब लोगों के दुआओं से, सहयोग से, सबके सपोर्ट से आज हम लोग इस मकाम पे पहुंच सके जो यहाँ पे पहुंचने की उम्मीद शायद हम लोगों ने भी कभी नहीं की थी। जय आरती भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब सुखना में जागे, तब सुख आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जी हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और आज जो इस संस्था द्वारा हम लोग को सम्मान मिला है इससे हमें बहुत ही हर्ष, बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। और एक गोरखपुर जैसे छोटे शहर में जो कि भारतवर्ष में काफ़ी नीचे नंबर पर शायद आता होगा, वहाँ से रहते हुए जिन संस्थानों के साथ, जिन सुविधाओं के साथ रहते हुए हम लोगों ने अपने आप को परिवर्तित किया है, समय के अनुसार अपने स्टैंडर्ड्स को, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया है। जो बाहर के विदेशी ब्रांड्स हैं जिन क्वालिटीज़ को मेंटेन करते हैं वो हमारे यहाँ बकायदे क्वालिटी चेक्स होते हैं। जब प्रोडक्ट कस्टमर के सामने आता है उसके पहले उसको विभिन्न प्रकार के क्वालिटी चेक से गुजरना पड़ता है ताकि हर एक चीज़ प्रमाणित हो सके उसकी शुद्धता के अनुसार। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोगों ने ध्यान दिया है ताकि हमारी गुणवत्ता और दाम दोनों ही कंपेटिटिव हो सके और ग्राहक को सही चीज़ सही दाम पे मिल सके। ये प्रयास शुरू से रहा है और साथ ही हमारे पिताजी द्वारा सिखाया हुआ जो मूल मंत्र है ईमानदारी और नैतिकता, उस पर हम लोग शुरू से अटल रहे हैं और उसी राह पे चलते गए हैं जिसका परिणाम स्वरूप हमें आज ये मिला है। और हमारा ये प्रयास रहा है कि चूंकि गोरखपुर से इतना प्रेम मिला है इसलिए जो भी हम इस शहर के लिए कर सकें वो हमारे लिए कम है, चाहे वो शहर का सुंदरीकरण हो, चौराहों का सुंदरीकरण हो या जो कई तरह की हमारी मुहिमें चलती हैं, जिस प्रकार से कुछ विद्यालयों को हम लोगों का सहयोग रहता है, रोटरी द्वारा चलाए गए नेत्र दान अभियान में भी हम लोगों का बहुत बड़ा योगदान था, जिस प्रकार से बाढ़ पीड़ितों को हमारा अशफाक परिवार बढ़ चढ़ के मदद करता रहा है, या जो भी आपदाएं आती हैं उसमें हमारा परिवार हमेशा खड़ा रहता है समाज सेवा के लिए, ये सब हमारे बड़े बुज़ुर्गों का सिखाया हुआ बताया हुआ है। जिस मार्गदर्शन पे उन्होंने हमें बताया है, जो मार्ग दिखाया है उस पर हम सदैव चलते रहे हैं और चलते रहेंगे।
अपने ग्राहकों से क्या कहेंगे, अपने ग्राहक आपको स्नेह दिए, प्यार दिए, इस मुकाम तक पहुँचे? आज हम जो भी हैं अपने ग्राहकों की ही वजह से हैं। हमने आज जो भी किया हमें ग्राहकों ने सराहा है और उनका हमेशा हमें हमारे प्रति एक विश्वास, जो ग्राहक हमारे यहाँ आग बंद करके आता है इसका ऋण हम ग्राहक का कभी नहीं चुका पाएंगे। और हमारा हृदय से धन्यवाद है अपने सभी ग्राहकों के लिए जिनकी वजह से हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और पहले हम सबको धन्यवाद करना चाहेंगे, ये सबके प्रयासों और सबके सहयोग का ही नतीजा है कि हम लोग दिन दुगुने रात चौगुने तरक्की कर रहे हैं। और ये तरक्की हम सबकी तरक्की है, सारे जो है शहरवासियों की तरक्की है। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही सामाजिक कार्य करते रहें हम लोग और ऊँचाइयों को छुएँ और लेकिन ग्राउंडेड रहें। थैंक यू। हम लोगों का अवार्ड WCRC एवं लुम्बा फाउंडेशन ने जॉइंटली दिया और यह अवार्ड हम लोग को लंदन में मिला। 24 तारीख को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भोज था हम लोगों का, रात्रि भोज, और 25 तारीख को चर्च हाउस में हम लोगों को अवार्ड मिला। और यह अवार्ड हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशंस में मिला है जो हम लोगों ने ज्वेलरी इंडस्ट्री में पूर्वांचल में रहते हुए ट्रांसफॉर्मेशन किया। जिस तरह गोरखपुर में हीरे का व्यवसाय सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसी तरह इसी क्रम में सन 2003 में जब लोग ब्रांड के बारे में सोचते भी नहीं थे, उस समय हम लोगों ने एशब्रा के नाम से डायमंड ज्वेलरी के ब्रांड को स्टार्ट किया था एक रिटेलर होते हुए पूर्वांचल से। डायमंड के 4 C's के बारे में हम लोगों ने कस्टमर्स को बहुत एजुकेट किया, उनको बतलाया डायमंड का दाम कैसे जोड़ते हैं रैपापोर्ट चार्ट से, इसके बारे में हम लोगों ने कस्टमर्स को एजुकेट किया। हॉलमार्क का समय आया तो गोरखपुर में टांके की ज्वेलरी बिकती थी, अभी भी कई लोग बेचते हैं, लेकिन उस प्रथा को तोड़ते हुए सबसे पहले 100% हॉलमार्क ज्वेलरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में कस्टमर्स को, जिसमें हम कस्टमर को सोने का दाम अलग बतलाते हैं, वेस्टेज अलग बतलाते हैं, मेकिंग यहाँ तक कि जो मैं प्रॉफिट लेता हूँ मैं वो भी अलग से बताता हूँ, ये सारी चीज़ें बताते हुए हम लोगों ने एकदम 100% ट्रांसपेरेंट करते हुए ज्वेलरी इंडस्ट्री को और पारदर्शी बनाया जिसमें लोगों को अधिक से अधिक विश्वास हो सके। यही नहीं, हम लोगों ने ब्रांड की परंपरा को एक अनूठे ढंग से पेश किया। जनरली जो ब्रांड्स हैं वो महंगे महंगे ब्रांड एम्बेसडर्स को लगाते हैं, उनको ऊपर खर्च करते हैं, उस खर्च को हम लोगों ने अपने यहाँ के स्टाफ के वेलफेयर पे, उनको एजुकेट करने पे और कस्टमर्स को लाभान्वित करने पे हमने खर्च किया। और इस तरह से हम लोगों ने एक दो ब्रांड एम्बेसडर्स नहीं, हजारों के संख्या में ब्रांड एम्बेसडर्स तैयार किए। आज हमारे यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं वो अपने आप में ब्रांड एम्बेसडर हैं और हम लोगों के इस ब्रांड को 4 चांद लगाते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जो कस्टमर आज विश्वास करते हैं, जिन्होंने हम लोगों के द्वारा किए गए इस परिवर्तन को सराहा, वो सब स्वयं प्रचार करके हमारे लिए एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर का काम करते हैं। अगर हम किसी महंगे बॉलीवुड स्टार को ब्रांड एम्बेसडर रखते हैं तो मैं जिस साल रखूँगा ब्रांड केवल उस साल तक के लिए है, अगले साल जब मैं उसको नहीं अफोर्ड कर पाऊँ या कोई भी ब्रांड नहीं अफोर्ड कर पाए तो ब्रांड की पहचान वही ध्वस्त हो जाती है। लेकिन इस अनूठे प्रयोग से यह ब्रांड सदैव के लिए बन गया और लोगों के दिलों में बन गया। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये चेष्टा की कि हर तरह के कस्टमर्स की आवश्यकताएं एक ही छत के नीचे पूरी हो सके। जनरली जो ज्वेलर्स अपर क्लास सेगमेंट को डील करते हैं वो फिर मध्यम वर्गीय एवं निम्न वर्गीय आय वालों के लिए सामान रखना पसंद नहीं करते, उनको उस स्टोर में नहीं चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने एक ही छत के नीचे हर तरह की आवश्यकताओं के लिए और हर तरह के कस्टमर्स के लिए, चाहे वो एक मध्यम वर्गीय हो, चाहे एक गरीब काश्तकार हो जिसको 25,000 की ज्वेलरी में अपनी बेटी की शादी करनी हो, ये सारी आवश्यकताओं को हम लोगों ने एक ही छत के नीचे पूरा किया। चाहे किसी को बहुत महंगी ज्वेलरी लेनी हो उसको भी वही सम्मान मिलता है, एक छोटी ज्वेलरी लेने वाले को भी वही सम्मान मिलता है जो एक महंगी ज्वेलरी लेने वाले को सम्मान मिलता है। तो ये सब कई अनूठे प्रयोग थे जिसकी वजह से हम लोगों को यह सम्मान मिला। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सदैव यह प्रयास किया कि हम लोगों की जो
हम लोगों क्या हर आदमी की पहचान समाज से होती है और हर व्यक्ति की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वह समाज को वापस धन्यवाद के रूप में समाज को वापस लौटाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने हमेशा सामाजिक सरोकार में भाग लिया, चाहे एक हम लोगों का 2015 में शुरू किया गया एक शपथ देश के नाम था, जिसमें हम लोगों ने अपने आसपास परिवार को ही नहीं पूरे समाज को एक संदेश देने का प्रयास किया कि लोग अपने पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट की आदत को छोड़ें और कम से कम एक रुपये रोज शहीदों के लिए अपने घरों में इकट्ठा करें और जब भी आवश्यकता पड़े तो शहीदों के परिवार को उससे मदद करें। सरकार ने भी कई बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो अपने घरों में यह प्रथा कर रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ तो जो हमारे यहाँ का ये 700 लोगों का आशपा परिवार है, यह पूरी तरह इसको फॉलो कर रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में और हम लोगों को यह सम्मान मिला, और यह सम्मान हम लोगों का नहीं है, यह सम्मान उन सभी ब्रांड एम्बेसडर्स का है जिन्होंने हम लोग को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। एक सवाल और, इतनी लंबी यात्रा है आपकी जो लेके चित्र, प्रेरणा स्रोत कौन है? प्रेरणा स्रोत हमारे पिताजी हैं जिन्होंने शुरू से हम लोगों को यह मार्गदर्शन दिया कि एथिक्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, ऊंचाइयां बहुत हैं, ऊंचाई पकड़ो लेकिन अपने पैर को ज़मीन पर हमेशा बस रखो। तो हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे पिताजी हैं।